ये गाइस मैं नेपाल में हूँ, मैं नेपाल जा रही हूँ। उसमें अच्छा क्या बात है, वाह बस हम नेपाल पहुंच। नाइस, सो प्रिटी। सो दैट इज नेपाल, वो पुल है। यहाँ इंडिया का बॉर्डर खत्म होता है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे वो एक मेला लगा था ना, मेला। अच्छा अच्छा अच्छा, जॉल जी वो अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अब खत्म होता है हमारा इंडिया का बॉर्डर। ये हमारा मंदिर, क्या बात है। जय हो महिषानी मंदिर, क्या बात है। गंदी बदबू आ रही है इसकी। ये देखिए टोबैको, बहुत गंदी बदबू है अंकल। मेरे को उल्टी जैसा हो गया, बताए इसको सुन के। सूरती, क्या बात है। नाइस, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं नेपाल, ठीक है। ये है नेपाल का हमारा मंदिर। हाँ, नेपाल नेपाल फेमस दारू, घुसते ही अंदर दारू पाव, नूडल्स, वाई वाई। अरे क्या बात है, नाइस नाइस है, बहुत सही यार ये तो। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए नेपाल। ये रहा, वेलकम टू नेपाल, क्या बात है। अरे वाह, वो अपना इंडिया है वहां पे उस पार। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे दारू बहुत सस्ती होती है, वो मेरे किसी काम की है नहीं क्योंकि मैं दारू पीती नहीं हूँ। पीती भी होती है, घर वाले पीते भी होते तो हम ले जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से दारू नहीं ले जा सकते। बट यहाँ पे कपड़े और जैकेट भी होती है, ऐसा बोलते हैं सस्ती होती है। सो लेट्स सी कुछ मिलता है तो। आजकल ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन है, इस वजह से सब कुछ बंद है। ये थोड़ा सा एक पचका हो गया कि आए और कुछ दिखा नहीं। पर इसमें नेपाल घूमना है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉपर वे टू विजिट नेपाल। ये तो एक कहने को हो गया कि जाकर आए, अदरवाइज नेपाल घूमना है तो वो तो प्रॉपर अंदर जाना चाहिए, राइट, घूमना चाहिए। नेपाल आके एक जैकेट पसंद आई है मुझे, नाइस। मुझे एक जैकेट पसंद आई लेकिन उसमें साइज नहीं था। ये मेरा संकेत है कि कल्पना पतली हो जाओ। बताओ, नेपाल आके जैकेट खरीद रही हूँ, जैसे कि इंडिया में नहीं है। बट गाइस ऑन अ सीरियस नोट, रीजनेबल प्राइस था भैया, 800 रुपये का जैकेट है। वही जैकेट मैंने पिथौरागढ़ में 2000 का देखा, पता आपको। ये बहुत सारी जैकेट्स हैं। ये कोई तो ऑफिस है, सीमा प्रहरी चौकी। अच्छा, मुलाघाट मैथड़ा, भाई बहुत हाइट है। लग गई फाइनली एक दुकान मिली खाने की, पर नहीं खा सकती क्योंकि गेट बंद होने वाला है। 6 बजे का बंद हो जा रहा है, 6 बजे तक नहीं गए यहीं फंस जाएंगे। और वो सामने हमारा पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ है गाइस, क्या बात है। क्या क्यों बोले, इंडिया इज इंडिया, ये अलग ही फील आती है यार इंडिया में। ये देखिए गाइस, इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल गाड़ियों के इंटरनेशनल नंबर। हाँ, वो अपना इंडिया, ये नेपाल। हाँ, ये नेपाल का झंडा। दोस्तों देखिए, नेपाली लंगूर, नेपाली बोलता होगा ये। हाँ, हेलो, क्या बात है। एक सिंगल है यार, वेयर इज द फैमिली बेबी, घर वाले कहाँ हैं, कहाँ छीन घर वाले। अरे वाह वाह, मत भाग यार, कुछ नहीं कर रही थी मैं, मेरा कंटेंट था। गाइस नेपाली झंडा, ये तो फिर बहुत आबादी वाला क्षेत्र लग रहा है। हमारा झूलाघाट तो फिर भी बहुत आबादी वाला और अच्छा लग रहा है यार। सी यहाँ तो बिल्कुल बसावट नहीं है यार, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे कि माओवादी वगैरह आ जाते थे इस वजह से। चलो ये देखिए नेपाल का झंडा, कल्पना ब्लॉग्स। ओहो, सो बीच में अभी नेपाली ने चाइना वालों को पनाह दी थी ना, यहाँ बनाए थे उन्होंने अपने घर, देखो ये बंकर्स। फिर अब इंडिया ने विरोध किया था तब जाके वापस गए थे। अच्छा बताओ यार, चाइना बहुत दिमाग लगा रहे। एक जैकेट फाइनली पसंद आई है मेरे को,
तो हमारा नेपाल विजिट हुआ पूरा, अब हम लोग जाएंगे वापस इंडिया। बाय बाय नेपाल। सो ये था हमारा धारचूला, नहीं पहुंच गए फाइनली अपने इंडिया। जो बोलो इंडिया इंडिया होता है। आई लव माय इंडिया। वहाँ पे एक अजीब सा एक एंजाइटी सी हो रही थी मुझे, बहुत सन्नाटा था भैया वहाँ पे। और गाइज मैंने वो सिफाल पिथौरागढ़ वाले मोमोज भी खाए थे, दे वर अमेजिंग। आई मीन लाइक अमेजिंग। ये वो होता है ना जो हल्द्वानी में चिकन वगैरह का मिल रहा है, वो उस चीज़ में भी अंतर है, पानी का भी अंतर है, फिर बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पे वो चिकन का भी अंतर था, पानी का भी अंतर था, सब्जी का भी अंतर था। तो इट वॉज लाइक अमेजिंग, बहुत टेस्टी थी, पक्का खाना मतलब। ये है पिथौरागढ़ का फेमस खेचवा।